अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम अपने किचन में पाव भाजी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये एक गोभी पूरी ली है और दो आलू बड़े साइज़ के और मटर, इसको हमने उबाल के रख लिया है। ये दो शिमला मिर्च है बारीक बारीक कटी हुई, एक कटोरी फुल है। ये दो प्याज हैं, इसको बारीक काट लिया हमने। ये दो टमाटर हैं, इसको भी बारीक काट लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। ये अदरक लहसुन और हरे मिर्च का कुचा हुआ है, इसको हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा कुच लिया है। ये 2 चम्मच पाव भाजी मसाला है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये 1 चम्मच धनिया है पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी है 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच और ये अमचूर का पाउडर है 1/2 चम्मच। बटर यूज़ करेंगे टेस्ट के, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना यूज़ करेंगे। और ये जो हमने सब्ज़ी उबाली थी इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। ये हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें ले लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। अब ये प्याज हल्का गुलाबी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इसमें हम ये जो हमने अदरक लहसुन और हरे मिर्ची का पेस्ट बनाया था इसको हम डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा इसको पका, अभी अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो है इसमें पक गया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे जिसमें ये गल जाए। ये देखिए अभी शिमला मिर्च थोड़ी टाइट है, इसको और हम गला लें थोड़ी सी, फिर हम टमाटर इसमें डालेंगे और मसाले भी डालेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे। तो ये जो हमने सारे मसाले लिए थे इनको भी डाल देंगे इसी में। इसमें साथ में इसी के पानी में टमाटर में पक जाएंगे। अब ये टमाटर भी अच्छे तरीके से पक गए हैं, मसाला भी तेल छोड़ रहा है, अब इसमें ये पाव भाजी मसाला हम डाल देंगे। और थोड़ा सा भून लेंगे इसको।
अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मसाला बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है। अब इसमें हम ये जो हमने सब्जियां ली थी इसको डाल देंगे। अभी सारी सब्जियों को इसमें मसाला में मिक्स करके और फिर इसको हम मैश करेंगे। बहुत ज़रा सा पानी डाल के इसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के सब्जियों को बॉईल किया है और उस पानी को भी हमने इसी में डाल दिया है। अब इस तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे। देखिए बढ़िया से मैश हो गया है, लेकिन अभी ये भुना नहीं है, इसको अभी और हमें पकाना है। ये देखिए बढ़िया से बिल्कुल तैयार हो रही है। ये मार्केट में इसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं, फूड कलर वो लोग, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको हम भूनेंगे। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ये देखिए हमारी पाव भाजी अब रेडी हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गई है। देखिए तेल छोड़ने लगा है, जो हमने इसमें बटर डाला था और थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें ये हरा धनिया डाल देते हैं। बस ये हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ हम पाव को बटर में फ्राई करके सर्व करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने बटर लगा लिया है पाव में और इसको हम सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से हम इस तरह से बराबर से अच्छे से कुरकुरा इसको कर लेंगे, बढ़िया सा सेक लेंगे, फिर सर्व करेंगे। ये देखें पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मुंबई की मशहूर पाव भाजी घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। एक बार हमारे तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।